एक्सक्यूज मी सर, जी सर वो एक बात करनी थी आपसे कि ये जो क्लासेस है ना, सर ने कहा है कि आप ना वीक में एक एक लेक्चर ले लिया करें, मतलब सारी सब्जेक्ट्स का। तो मतलब पहले दो होते थे, तो अब रमजान में सर ने कह दिया कि एक ही हुआ करे। अच्छा जी, आज हम फिर स्टार्ट करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि जो हमारे डिफरेंट जो डेटाबेस मॉडल्स हैं वो सॉरी जो रिलेशनल मॉडल हमारा है, इट एक्चुअली बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा। तो उसमें क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन था EF कोट, तो जिसने जो सा वो रिलेशनल मॉडल हमें प्रपोज किया, तो और वो जो सा वो बेस करता है मैथ के ऊपर और मैथ में भी रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर। तो अगर आपको रिलेशनल अलजेब्रा के ये डिफरेंट जो फंक्शन है वो पहले भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है, मैट्रिक में और उसमें आ जाता है। तो अगर आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो फिर जो सा वो आपका आपको फिर जो सा सीक्वल जो सा ना उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको फिर पता चलेगा कि वो कैसे उसके ऊपर वर्क करते हैं और कैसे काम करते हैं और कैसे वो डाटा रिट्रीव करेंगे। तो देन यू कैन डिजाइन द गुड क्यूरीज, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा जो सा वो जरा अच्छी तरह समझने की कोशिश कर लें, ठीक है। तो व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। द रिलेशनल अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ 8 डिफरेंट ऑपरेटर्स विच विल बेसिकली परफॉर्म ऑन द सेट थ्योरी। तो उसमें जो सा है वो पहला यूनियन आ गया, ये आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि कंबिनेशन ऑफ टू सेट्स। इधर हम जो हमारे पास जो सा है हम सेट्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि डेटाबेस मॉडल के अंदर हमारे पास जो सा है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स डेटा होगा। तो हम वी विल एज्यूम के ये जो ऑपरेशन है दे विल परफॉर्म ऑन द टेबल्स एंड विल ऑल्सो गिव द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज वेल। तो इसलिए दो टेबल्स के मर्जर को हम कहेंगे यूनियन है, और इंटरसेक्शन जो है वो आप इंटरसेक्ट करेंगे दो टेबल्स को, ठीक है। डिफरेंस जो है वो सेट डिफरेंस जैसे होता है, तो इसी तरह हम इधर टेबल्स का जो है वो डिफरेंस ले सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कार्टीशियन प्रोडक्ट। तो कार्टीशियन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ईच रो ऑफ टेबल मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू टेबल्स। तो उसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि ईच रो ऑफ टेबल फर्स्ट विल बी मल्टीप्लाइड विद द ईच रो ऑफ द टेबल सेकेंड, ठीक है। तो वो हमारा आ जाएगा कार्टिशियन प्रोडक्ट। तो इसको फिर देख लेंगे। और फिर जो है उसमें फोर स्पेशल रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन इसको कहते हैं, सिलेक्शन भी कह देते हैं रिस्ट्रिक्शन को, कि सिलेक्शन ऑफ रोज इन द टेबल, ठीक है। कि आप जो उनसे वो सिर्फ सिलेक्टेड रोज जो उनसी हैं उनको आउटपुट में लेके आए और बाकियों को रिजेक्ट कर दें। जैसे हम कंडीशन दे के कर सकते हैं जी कि वी वांट टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग द मार्क्स ग्रेटर देन 80%। तो ये हम रिस्ट्रिक्शन परफॉर्म करेंगे इस ऑपरेशन के लिए। तो अब अगर आपको रिस्ट्रिक्शन का पता है कि ये सिलेक्शन ऑफ रोज है, तो सिंपल आपको कहने से पता चल जाएगा जी कि ये आपने काम करना है, ये कंडीशन लगाने के लिए आप जो है वो रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर दें उसके ऊपर। तो फिर आपको यू कैन डिजाइन द क्यूरी अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, प्रोजेक्शन जो सा होता है ये भी होता है, ये इसको कहते हैं वर्टिकल सबसेट ऑफ द टेबल। कि आपका एक टेबल है, उसके अंदर जी आपके पास स्टूडेंट का टेबल है, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, मार्क्स और कॉन्टेक्ट नंबर, तो ये सारी चीजें हैं। तो लेकिन ये है कि आप चाह रहे हैं सिर्फ आप स्टूडेंट्स के नाम देखना चाह रहे हैं जो कि जिनका एड्रेस गुजरावाला का है। तो वी कैन से दैट वी विल परफॉर्म द प्रोजेक्शन, कि हम उसमें से सिर्फ प्रोजेक्ट करेंगे स्टूडेंट नेम, ठीक है, और वर्टिकल सबसेट ऑफ द टेबल, एंड देन वी विल परफॉर्म द रिस्ट्रिक्शन। तो फिर हम जो है उसके ऊपर फिल्टर करेंगे कि हमारे पास सिर्फ वो वाले स्टूडेंट आए जिनका एड्रेस जो है वो गुजरावाला का है। तो बोथ ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड ऑन दैट। तो इस तरह इसको कहेंगे प्रोजेक्शन। और फिर जो है ना वो आ जाता है ज्वाइन। ज्वाइन भी आता है कम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेटर्स के, इसके अंदर जो है ना कार्टिशियन प्रोडक्ट प्लस रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। तो इसके मर्जन से, इसके कम्बिनेशन से वी कैन परफॉर्म ज्वाइन। कि अगर आपने मोर देन वन टेबल से डाटा रिट्रीव करना है
देन वी कैन परफॉर्म ज्वाइन. ठीक, तो इसको भी हम डिटेल में करेंगे. फिर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस है, तो वो जब एसक्यूएल पढ़ेंगे तो उसको करेंगे. तो डिवीजन डिवीजन जो है वो ऑब्वियसली कि डिवाइड करते हैं आप एक रिलेशन को दूसरे पे और फिर आपका आउटपुट आता है. तो ये इस तरह ये जो है ये एट जो है ये आपके हैं रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स. अच्छा, ये जो फर्स्ट फोर है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स है. और ये जो दूसरे चार हैं ये स्पेशल रिलेशनल अलजेब्रा हैं, लेकिन ये जिसे कहते हैं कि प्रिमिटिव या बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स नहीं है, लेकिन इनको कंसीडर रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स ही कहा जाता है. फिर उसमें आता है ऑपरेंड. तो ऑपरेंड का कंसेप्ट ये है कि relations are the operands used in relational algebra कि जिनके ऊपर आपने operation perform करना है. ठीक है ना, so that those relations will be called as operands. और closure property मैंने पहले भी define किया था कि output from the sum relation operator is always a relation, कि आपकी input और output की type जो है वो same हो, so that will be called closure property. तो इसमें भी closure property होती है आपके relational algebra operation में. अच्छा, यूनियन का वैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि द यूनियन ऑफ टू कंपैटिबल रिलेशंस ए एंड बी इज अ रिलेशन विद द सेम हेडिंग एज ईच ऑफ ए एंड बी एंड विद द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द सेट ऑफ ऑल टपल्स बिलोंगिंग टू ए एंड बी. ठीक है, तो ये जो है वो कम्बिनेशन ऑफ टू रिलेशंस का आ जाता है. तो ये उसके नीचे ग्राफिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दी हुई है कि यूनियन कैसे काम करेगा. तो ये सेम होगा. जब सबसे पहले इसमें आ गया कंपैटिबल, तो कंपैटिबल का मतलब ये है कि जो दोनों रिलेशंस हैं ए एंड बी वो आपस में कंपैटिबल होने चाहिए. उनके नंबर ऑफ कॉलम्स जो उनसे हैं और उनका सीक्वेंस जो उनसे है दैट मस्ट बी सेम, तो वो कंपैटिबल हो गए. और फिर जो उनसे उसके बाद वो तमाम जो उनसे वो यूनियन में आपके वो हेडिंग्स आ जाएंगी जो भी आपके दोनों रिलेशंस की होंगी, और उनमें तमाम टुपल्स आएंगी जो कि ए में भी हैं, बी में भी हैं और कॉमन भी हैं दोनों में. ठीक है, तो उसका कॉम्बिनेशन रिलेशन मस्ट हैव द सेम हेडिंग्स. अच्छा, उनकी हेडिंग सेम होनी चाहिए और नंबर ऑफ हेडिंग्स भी सेम होनी चाहिए और हेडिंग्स भी सेम, नेम ऑफ कॉलम भी सेम होने चाहिए. सेम टुपल्स आर इंक्लूडेड वंस. ठीक है, तो जो उनसे उसमें कॉमन टुपल्स होंगी वो रिजल्टेंट टेबल में एक ही दफा आएंगे. मतलब ये जो एरिया शो कर रहा है कि उसमें कॉमन दोनों में होगा तो उसमें वो डुप्लीकेशन नहीं आएगी. ठीक है, यूनियन के ऑपरेशन में तो वो सेम उसमें आ जाएगा. ये तो हो गया यूनियन का. तो ये जो उनसे ये उसकी एग्जाम्पल है कि रिटर्न अ रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल टुपल्स अपीयरिंग इन आइदर और बोथ रिलेशंस. तो ये अगर इसमें थ्री है और इसमें ये थ्री रोज हैं, तो जब आप इसका यूनियन लेंगे तो ये आपके पास जो उनसे वो फाइव आ गई है, क्योंकि ये जो उनकी है एस फोर है ये दोनों में कॉमन है, तो ये एंड रिजल्ट में सिर्फ एक दफा आएगी. ठीक है, तो ये यूनियन के साथ आपके पास फाइव आ गई. तो ये आपका यूनियन का ऑपरेटर हो गया. अच्छा, इंटरसेक्शन जो उनसे है वो ये भी आपने पढ़ा. इंटरसेक्शन में ये होता है कि ओनली द कॉमन रोज इन टू रिलेशंस विल बी इंक्लूडेड इन द रिजल्टेंट टेबल. ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू कंपैटिबल रिलेशंस. कंपैटिबल में इसमें भी फिर कंपैटिबल होना चाहिए. रिलेशंस ए एंड बी इज अ रिलेशन विद द सेम हेडिंग एज सच बॉडी कंसिस्टिंग सेट ऑफ ऑल टपल्स बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी. ठीक है, तो इसमें सिर्फ वही रोज आएंगी जो कि दोनों में कॉमन होंगी. ठीक है, और बाकी जो है वो रोज नहीं आएंगी. तो दैट विल बी कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. रिलेशन मस्ट हैव द सेम हेडिंग. तो वो जो है वो ऑब्वियस है कि वो हेडिंग्स उनकी सेम होनी चाहिए. तो ये उसकी ये एग्जांपल आ गई है कि जो है ये एस वन, एस टू, एस फोर, एस थ्री, एस फोर, एस फाइव, और ये जो है ये रिजल्टेंट टेबल है. तो रिटर्न्स अ रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल टुपल्स अपीयरिंग इन बोथ of two specified relations. ये उसमें अच्छा डिफरेंस जो उनसे है वो तो वो आपको पता ही है कि डिफरेंस का मतलब ये होगा
कि जो किसी एक रिलेशन में आ रही है और दूसरे में नहीं आ रही, ठीक है. तो डिफरेंस बिटवीन टू कंपेटिबल रिलेशन ए एंड बी इज दैट ऑर्डर ए माइनस बी विल नॉट बी इक्वल टू द बी माइनस ए, ठीक है. तो अगर ए माइनस बी करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वो तमाम टुपल जो ए में है और बी में नहीं है, और अगर बी माइनस ए करेंगे तो बी में जो है और ए में नहीं है. और ये रिलेशन जो है ये ऑब्वियस बात है कि ये कंपेटिबल होने चाहिए. ईच ऑफ ए एंड बी विद अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ टुपल बिलोंगिंग टू ए बट नॉट बी, ठीक है. रिलेशन मस्ट हैव द सेम हेडिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑपरेटर डज नॉट मैटर, तो वो उससे मैटर नहीं करता. ये उसकी एग्जाम्पल आ गया. ए और बी जो उनसे है तो उसमें एस वन और एस टू जो उनसे ये ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है, तो ये उसका सेट डिफरेंस आ जाएगा. और अगर बी माइनस ए करेंगे तो एस थ्री एस फाइव जो उनसे ये बी के अंदर है और ए के अंदर नहीं है, तो ये सेट डिफरेंस आ गया. ये इम्पॉर्टेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये यूज भी होगा. तो द प्रोडक्ट ऑफ द टू रिलेशंस ए एंड बी विद नो कॉमन एट्रीब्यूट, ठीक है. तो कॉमन एट्रीब्यूट जो उनसे वो बेशक उसमें ना भी हो तो वो आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे, लेकिन एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट उसमें होना चाहिए. वो लेकिन वो होगा ज्वाइन के लिए. तो बहरहाल तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए टाइम्स बी की आपकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टेबल्स, ठीक है. इज अ रिलेशन विद द सेम हेडिंग एज सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन ईच ऑफ ए एंड बी विद अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द सेट ऑफ ऑल टुपल्स सच दैट ईच रिजल्टिंग टुपल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी. तो इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, सिंपल सी बात है कि जब भी आप ए टाइम्स बी आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे दो रिलेशन की तो उसमें जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं डिग्री जो उनसे है दैट विल बी एडिड, कि वो उनकी प्लस हो जाएगी. कि अगर आपकी ए जो रिलेशन है उसकी डिग्री है फोर, को फोर एट्रीब्यूट्स हैं, और जो बी रिलेशन है उसकी डिग्री भी फोर है, तो जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो रिलेशन बनेगा उसकी डिग्री हो जाएगी एट, ठीक है. फोर प्लस फोर एट हो जाएगी, और जो उनकी कार्डिनलिटी है वो हो जाएगी मल्टीप्लाई. तो लाइक अगर ए रिलेशन की रोज हैं टेन और बी रिलेशन की रोज हैं फाइव, तो जो आपका रिजल्टेंट टेबल बनेगा ए टाइम्स बी उसकी हो जाएगी 10 इंटू 5 50, तो उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो 50 होगी, क्योंकि आपकी हर रिलेशन ए की हर रो ने मल्टीप्लाई होना है रिलेशन बी की रो के साथ, और फिर जैसे वन रो है वो मल्टीप्लाई होगी दूसरी तमाम रोज के साथ, फिर टू रो जो है वो मल्टीप्लाई होगी, ऐसे होगा. तो इसलिए उनकी कार्डिनलिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है. तो रिटर्न द रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सेट ऑफ टुपल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू टुपल्स वन from each of the two specimens, ठीक है. तो वो उसकी जो है वो दोनों tuple जो है वो concatenate होके आएंगे. तो ये उसका हो गया cartesian product का. अच्छा ये देखें, ये इसकी example दी हुई है. तो ये आपके पास relation A है और ये three attributes हैं, और ये relation B है और ये two attributes हैं. तो ये इसको आपने जब concatenate किया times किया तो ये जो उनसे ये मल्टीप्लाई होके तो इसमें ये डिग्री तीन और दो पांच, तो आपके रिजल्टेंट में वन टू थ्री फोर फाइव आपके पास आ गए कॉलम्स, ठीक है. और ये रोज जो उनसे ये वन टू थ्री और वन टू थ्री, तो इसका मतलब थ्री इंटू थ्री नाइन, तो ये आपके पास नाइन रोज आ गई, ठीक है. और ये कंकेटिनेट हुई है, पहले ये तीन, पहली तीन वैल्यूज फर्स्ट टेबल की और दूसरी दो वैल्यू सेकेंड की, फिर पहली तीन वैल्यू फर्स्ट की, और इसको कहते हैं कंकेटिनेशन होना. तो वो दोनों रोज जो उनसे वो उसकी कंकेटिनेट होके आ जाएंगी उसमें. तो इस तरह ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो उनसे वो डिग्री जो उनसे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो रोज हैं वो हो जाएंगी, डिग्री प्लस हो जाएगी और रोज जो उनसे वो मल्टीप्लाई कार्डिनलिटी जो उनसे. अच्छा जी, ये आपके पास है एक एग्जांपल है, ये ना ये असाइनमेंट है, ठीक है. तो अभी हम इसको इधर ही मैं देखता हूँ रिलेशन. हाँ जी, तो ये मैं अभी आपको स्लाइड्स अभी मैं भेज दूंगा आपको. तो आपने करना है कि इसको एक